मैंने एक कप छोले लिए हैं। छोले को मैंने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था, तो छोले अच्छे से भीग चुके हैं। छोलों को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, तो जार का ढक्कन लगा कर अब इसे हम पीस लेंगे। तो छोले मैंने पीस लिए हैं, तो छोले की इस पेस्ट को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पूरे पेस्ट को मैंने बाउल में निकाल लिया है, तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कप बेसन, स्वाद के अनुसार नमक, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो जो बैटर है वो गाढ़ा है, तो इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, क्योंकि हमें बैटर को ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो बैटर मैंने मिक्स कर लिया है, इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच ही पानी डाला है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो बैटर है इसे हम एक प्लेट में डालेंगे। तो प्लेट को मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था, इस प्लेट में हम बैटर डाल देंगे। तो प्लेट पर इसे अच्छे से फ्लैट कर देते हैं। तो इस तरह से पूरी प्लेट पर मैंने बैटर को सेट कर दिया है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पर मैंने कढ़ाई में पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी भी गर्म होने लगा है। अब इसमें मैं 2 प्याज कट करके डाल रही हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 टमाटर, टमाटर को मैंने कट कर लिया है, और साथ ही में 2 हरी मिर्च डाल देंगे। अब कढ़ाई में मैं 1 स्टैंड रख रही हूँ, और हमने जो बैटर वाली प्लेट रेडी की है उसे हम स्टैंड के ऊपर रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 5 मिनट तक इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेंगे। जो बैटर है वो भी अच्छे से स्टीम हो गया है। तो प्लेट को हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे, और हमने जो मसाले बॉईल होने के लिए रखे थे वो भी पक चुके हैं। मसाले भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इन्हें थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। तो बैटर को मैंने ठंडा करके इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। तो जो मसाले हैं वो भी ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। सभी को पीस लेंगे। तो सभी को मैंने पीस कर पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में हम 2 चम्मच दही डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल भी गर्म हो गया है, अब इसमें हम 5 से 6 काली मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। तो सूखे मसाले भी पक चुके हैं। अब इसमें हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट को चलाते हुए भून लेंगे। पेस्ट को मैंने भून लिया है, अब इसमें हम सूखे मसाले वाला पेस्ट डाल देंगे। तो इसे भी हम भून लेंगे। तो सभी को मैंने भून लिया है। अब हमने जो पीसेस कट करके रखे थे उसे हम मसाले में डाल देंगे। आधा कप पानी डालेंगे।
और इसे कवर कर देंगे। कवर करके इसे 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डालेंगे, तो न्यू स्टाइल में गर्मा गर्म छोले की सब्जी बनकर तैयार है। इस तरह से आप छोले की सब्जी जरूर बनाकर देखिएगा, आपको एक नया ही टेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।